नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर टर्मिनोलॉजी, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड जस्टिस, न्याय और न्यायमूर्ति में क्या अंतर है। सिंपल भाषा में समझिएगा, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन इस तरह के सभी कोर्ट्स में जो व्यक्ति बैठे होते हैं न्याय देने के लिए, वो कहलाते हैं जज यानी न्यायाधीश। लेकिन जब हम बात करते हैं अपर कोर्ट का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो व्यक्ति न्याय देने के लिए बैठे होते हैं वो कहलाते हैं जस्टिस यानी न्यायमूर्ति। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उस पदाधिकारी के बारे में कि आपका होना ही अपने आप में न्याय है, इसलिए आप न्याय के मूर्ति हैं और वो कहलाते हैं न्यायमूर्ति। तो सिंपल से फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जज लोअर कोर्ट में बैठेंगे, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जस्टिस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो उम्मीद है आप सबको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि जज और जस्टिस में क्या अंतर होता है। इस तरह के तमाम जानकारी को जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ लगे रहें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर से कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।